वजीर आजम का दौरा चीन, शेंजन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ से चीनी सूबे ग्वांगडोंग के नायब सरबरा की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताबुन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत का यादा। वजीर आजम ने कहा, पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी है। शहबाज शरीफ की चीनी क्यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। भारत में मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान मुखालिफ बयानी का धरन तख्ता। नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, दो तिहाई अक्सरियत का ख्वाब बिखर गया। लोकसभा इंतखाबात के इब्तदाई नतज में बीजेपी को 293 सीटों पर बरतरी। गुजश्ता इलेक्शन में जीती 53 सीटों पर शिकस्त का खदशा। 400 पार का नारा लगाने वालों को 300 का हिंसा उबूर करने में भी मुश्किल। कांग्रेस इतिहाद का शानदार कम बैक, 234 सीटों पर आगे। आम इंतखाबात के नतज मोदी की शिकस्त का पैगाम, हमें भारी मैंडेट मिला, हर वादा पूरा करेंगे, राहुल गांधी का ऐलान। तौहीन अदालत केस, मुस्तफा कमाल ने माफी मांग ली। फैसल वाडा का इंकार, मौकिफ अपनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। नोटिस वापस ले, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मुस्तफा कमाल का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा। केस की कल तक समाअत मुलतवी। और धरना, एहतजाज, जलाओ घिराओ, शहदा की यादगारों को जलाने के दिन खत्म। पंजाब में तरक्की का नया सफर शुरू हो गया जो रुकने वाला नहीं। 3 माह में महंगाई के जिनको बोतल में बंद कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज ने दस्तक ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा, IT के शोबे में 70,000 मुलाजमतें पैदा करेंगे।